भिलाई टाउनशिप जोन में महिला कनिष्ठ अभियंता तथा तैनात स्टाफ के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए जाने को लेकर थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने से आक्रोशित संघ के लोगों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के नाम ज्ञापन सौंपा। कंपनी के निर्देश अनुसार बीती 20 तारीख से बकाया राशि वसूली का कार्य प्रगति पर है। इसी के तहत बीएसपी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा संचालित पेट्रोल पंप की बकाया राशि होने के कारण लाइन विच्छेदित कर दिया गया। इसका विरोध करते हुए ब्रिजेश शर्मा नामक व्यक्ति के द्वारा जोन कार्यालय में आकर महिला कनिष्क अभियंता रुचि बंछोर व लीजा मरकाम के साथ अभद्रतापूर्ण बात की गई व डराया धमकाया भी गया। इस बात की शिकायत भट्टी थाना में की गई, लेकिन 23 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी के द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिससे नाराज कर्मचारियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में मीडिया के समक्ष दुर्ग सर्कल के तरुण कुमार ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 20 सितंबर की बात है जी, हमारे 20 सितंबर 2022 की बात है, जब हम उपभोक्ता की बकाया राशि होने के कारण उनके लाइन को विच्छेदित करने के लिए गया था और बकाया राशि न पटाने के कारण लाइन को विच्छेदित किया गया। इस संबंध में उपभोक्ता द्वारा आप इस कार्यालय में आके महिला कर्मचारी कनिष्ठ यंत्र या उनके साथ तकनीकी कर्मचारी उनके साथ अपना व्यवहार किया गया था, तो इस तरीके से पूरे भयभीत हो गए थे कार्यालय वाले, तो हमने वहाँ पे भट्टी थाना में FIR दर्ज करने के लिए वहाँ पे आवेदन दिया था, जो अभी तक 24 घंटे बीतने के बाद भी वहाँ पे FIR दर्ज नहीं हुआ था। उसी संबंध में FIR दर्ज करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमने FC कार्यालय में ज्ञापन दिया। थाने में जब आप लोगों ने शिकायत की तो वहाँ क्या किया? वहाँ पे आवेदन उन्होंने कलेक्ट किया, लेकिन अभी तक उसमें आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी आप लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, उनके द्वारा क्या कहा? उनके द्वारा किया गया कि कार्रवाई किया जाएगा, अगर शाम तक कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे आप लोगों को क्या होगा? अब नहीं होगी तो उसके आगे नेक्स्ट रूपरेखा को तैयार करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।